नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज 6 सितंबर दिन सोमवार, तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्ची की। दोस्तों मिर्ची का आज का भाव रहा 10 रुपये से लेकर 22 रुपये किलो, जो नीचे में है, जो ख़राब है, गली है, उसका 10 रुपये किलो, और जो अच्छे वाली है वो 22 रुपये किलो तक। हरी मिर्ची जो है बुलडाना महाराष्ट्र की मिर्ची आती है, और जो बात करते हैं दोस्तों इसकी अचारी मिर्च की, इसका भी रेट 12 रुपये 13 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा बस 15 रुपये जो मेन रेट रहा इसका 12-13। वैसे 10 रुपये से स्टार्ट हो गई है अचारी मिर्ची, 10 रुपये से लेकर इसका 15 रुपये तक का अचारी मिर्ची का रेट। दोस्तों बात करते हैं मटर की, जो किन्नौर वाली मटर आती है इनके पास, जानते हैं स्कौरी इनके पास जो है फ्रांस बीन, अपना जो है हिमाचल वाली जो शिमला ठेव की फ्रांस बीन आती है, इसका क्या कुछ रेट रहा। किन्नौर वाली मटर तो यहाँ से पैकों के बाहर जा रही, जानते हैं जो यहाँ पर स्पेशल बोली करते हैं भाई साहब, क्या रेट रहा। नमस्कार भाई साहब जी। सर जी क्या कुछ रहा जी मटर का आज बोली में? मटर जी थोड़ा जाम की वजह से गाड़ियाँ लेट आई, थोड़ा डाउन रहा मटर आज। हाँ जी हाँ जी, मटर 60 रुपये से लेके और 100 रुपये तक। तो जाम रात के समय लगा जी, अब चल रात से जाम है ना जी, रात से जाम है। जो गाड़ी रात को 1 बजे लगनी थी वो सुबह 4 बजे लगी है। और फ्रांस बीन का क्या रहा जी? फ्रांस बीन राणा जी 20 रुपये से 35 रुपये, ये शिमला ठोक वाली जी। धन्यवाद भाई साहब जानकारी दे। दोस्तों बात करते हैं किन्नौर वाली जो भी आती है, जो किन्नौर वाली लाहौल स्पीति की, वो भी जानते हैं भाई साहब से क्या कुछ रेट चला। हाँ जी भाई साहब, ये फूल गोभी का क्या रहा? सर आज फूल गोभी का जो बढ़िया रहा वो 28 से 30, 26, 28, 25 से मतलब 30 के बीच में। अच्छा, अभी इस टाइम जो बिक रहा है वो 25 रुपये बिक रहा है, और 24 रुपये 22 रुपये 20 रुपये। हाँ बाजार कल से मंद, कल कम था माल, आज मंडी में माल ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए पत्ता गोभी जी ये 500 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में। ये नासिक की है जी। हाँ जी हाँ जी, नासिक की है। नासिक की बड़ी है? हाँ जी नासिक वाली है, 500 से 700 बिक रहा है। और वजन इसमें? इसमें वजन 55 किलो 50 किलो यही है, 55-50। धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। दोस्तों बात करते हैं ग्वार फली की, करेले की, और इनके पास जो है अरबी आती है, इसकी जानते हैं भाई साहब से इनके पास क्या कुछ बाजार रहा। हाँ जी भाई साहब, आज का अरबी का क्या रहा जी? जी आज बिकी 8 रुपये से लेके 10 रुपये किलो तक, पहले से थोड़ा बाजार तेज है संभल की अरबी जी। अच्छा, और ये करेला कहाँ वाला भाई साहब? जी अहमदाबाद का करेला, ये 200 रुपये में 30 किलो की पन्नी बिक रही है। कारण एक तो गाड़ी लेट हो गई, दूसरी बात ग्राहक नहीं है। और करेला बाहर का भी आ रहा है, कानपुर का आ रहा है बोरी वाला, उसके वजह से ये हाइब्रिड है, वो देसी है, देसी की डिमांड ज़्यादा है, हाइब्रिड की कम है, इसकी वजह से ये 200 रुपये बिक रहा है। अच्छा, उसकी डिमांड है वो रेट तेज होगा उसका? देसी करेले की डिमांड ज़्यादा है। ये पापड़ी, ये गवार की फली, ये 10 रुपये से 12 रुपये किलो तक बिक रही है, इसका भी बाजार आज पिटा हुआ है क्योंकि राजस्थान की ज़्यादा आ गई है, ये कारण है। धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। दोस्तों बात करते हैं भिंडी की, भिंडी का रेट है दोस्तों आज का 11 रुपये किलो, 12 रुपये किलो बड़े वाली, और जो छोटे वाली भिंडी है उसका रेट है 17 रुपये 18 रुपये किलो। भिंडी जो तीसरे दिन की तुड़ाई होती है भिंडी की वो 17-18 रुपये, और जो चौथे दिन की तुड़ाई है वो 11 रुपये 12 रुपये। दोस्तों बात करते हैं खीरे की, जो सुपर क्वालिटी का खीरा है इसका रेट है दोस्तों आज का 18 रुपये किलो, और जो इसी में ही थोड़ा आपको पीले साइज का, थोड़ा सा बड़े साइज का आवर मिल जाएगा, ये आपको नीचे में 10 रुपये भी खीरा मिल जाएगा है, ये भी खीरा 10 रुपये से लेकर और 18 रुपये किलो खीरा। दोस्तों बात करते हैं सीताफल कद्दू की, सीताफल कद्दू का आज का रेट है दोस्तों 6 रुपये किलो, जो इसी में ही थोड़ा पीला निकल जाएगा वैसा वो 5 रुपये भी है, पर जो इस तरह का वो 6 रुपये किलो सीताफल कद्दू। दोस्तों बात करते हैं जो देसी वाले सुपर क्वालिटी के कानपुर के करेले की, इसका रेट है दोस्तों 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो अच्छे वाला, जो 200 रुपये में पन्नी बिक रही थी वो सिंपल करेला था हाइब्रिड, ये इसको कहते हैं असली करेला, ये है करेला। दोस्तों बात करते हैं हरे वाली बैंगनी की, और हरे वाला जो ये गोल बैंगन है इनके पास आता है भाई साहब के पास, इसके पास ही वैसे बैंगनी वो जामनी रंग की भी आती है, जानते हैं क्या कुछ रेट चला। हाँ जी भाई साहब, इसका क्या चला जी रेट, जो हरे वाली है लंबी बैंगनी है जी? आज 14-15 रुपये की है। ठीक है बाजार थोड़ा सा, और ये गोल वाला हरा बैंगन? गोल वाला हरा वो भी 14-15 रुपये की है। चूचू 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 15-16 रुपये की आज बढ़िया। और जो मोटे वाला बैंगन है, अच्छा मोटा वो काला बैंगन जिसको कंचन बैंगन बोलते हैं, उसका क्या बाजार चल रहा है भाई? अभी 20 रुपये तक ले पोटे हैं। हाँ बढ़िया का, बढ़िया सौदा का।
दोस्तों उसका मोटे वाले बैंगन का 20 रुपए तक का बाजार रहा। चलो ये तो बहुत बढ़िया जी, थोड़ा सा तेजी आई। देखो आज खुलती मंडी है, पर ये नहीं पता भी कल कितना माल आ जाए। आप ना 200 रुपए बोरा का, वो भी क्या 12 रुपए किलो आज। दोस्तों जो पहले 200-200 रुपए की बोरी बेचते थे, आज वो 12 रुपए किलो बैंगन बिका। पर ये आजादपुर मंडी है, यहाँ देखते हैं कल क्या रेट चलेगा। दोस्तों बात करते हैं शिमला मिर्च की। जो शिमला मिर्च का आज जो गत्ते वाली शिमला मिर्च है, इसका भाव रहा 30 रुपए किलो, और जो इसी में ही ऐसी मिर्च रही है 25-26 रुपए किलो। ये दोस्तों आपको राहुल एंड ब्रदर्स के पास मिलेगी, इनके पास ये काफ़ी शिमला मिर्च आती है। इसका जो अच्छे वाली है रेट 30 रुपए किलो, और 25 रुपए से लेकर 32 रुपए किलो का शिमला मिर्च का, जो महाराष्ट्र सांगली की शिमला मिर्च है। नमस्कार बाबू जी। भाऊ जी क्या है कुछ अरबी के रेट में कुछ आज थोड़ा बहुत? अरबी भाऊ जी 8 रुपए से 10 रुपए किलो जी। दोस्तों आज का अरबी का, अरबी जो बी ब्लॉक में भी आज को आपको अरबी 8 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं चुकंदर की। चुकंदर का रेट वही पुराने वाला चुकंदर का रेट आड़ती कहना, पर फिर भी जान लेते हैं कि क्या रेट, क्योंकि ये इतने कम जल्दी ये इनके रेट घटते बढ़ते नहीं, क्योंकि ये पक्के सौदे हैं। और जानते हैं आते हैं इनके पास ये गाजर भी आई, कहाँ वाली गाजर आई जानते हैं भाई साहब से। हाँ जी भाई साहब, चुकंदर का क्या रहा जी आज? आज बाजार थी 15-16 इंदौर वाला चुकंदर। अच्छा, और वो जो मथुरा वाला आ रहा है वो 8-10। और ये गाजर कहाँ की आई? गाजर ये आ रही है सिकंदराबाद की। ये क्या रेट है? ये कट्टे 40 किलो के वेट में होते हैं, इसका रेट है 900-800 ओके बिक रहे हैं ये। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों अब एक ए ब्लॉक और बी ब्लॉक छोड़कर आप पहुंचे हैं पार्क में, जिसको मूली वाला पार्क भी बोलते हैं। जानते हैं यहां पर भी सब्जियों का क्या कुछ आज का रेट चला, जानते हैं यहां पर जो इनके पास सीताफल कद्दू आया भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। सर जी ये कहां वाला है जी सीताफल कद्दू? दो किस्म के हैं जी ये? दोनों यूपी के हैं जी। ये छोटे वाला 6 रुपए चला जी, और ये जो बड़े साइज का जी है वो 5 रुपए। अच्छा जी, दो और क्या सामान आया जी अपनी दुकान पे यहाँ पे? अभी आप भिंडी आई थी, भिंडी बिल्कुल सस्ती हो रही है 8-10 रुपए। और मिर्ची भी आज सस्ती है, मिर्ची भी 10-12 रुपए किलो बिक रही है, 20 रुपए तक बिक रही है, यही आया आज लोगों। धन्यवाद सर जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस तो बोल दो हाँ, और कॉन्टेक्ट नंबर? सर अपनी दुकान का D1312 जैक्सन हरकिसन एंड कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर 93-110-254 9310102 54। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों बात करते हैं साग सब्जी की। जानते हैं कई दिन के बाद साग सब्जी का क्या कुछ रेट चला आज इसका, जो हरी सब्जियां चलाई वगैरह और पालक वगैरह। हाँ जी भाई साहब जी, हाँ जी क्या क्या रेट चले जी पालक के? पालक चल रहा है 100-120 आज डाउन है जी, खराब हो गया ना बारिश की वजह से, इसलिए 100-120 रुपये क्या मतलब? धड़ी 5 किलो। हाँ जी, चौलाई बिक रही है 100 की 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो वो भी यही रेट चल रही है 18-20 रुपए किलो। और इससे अलग क्या रहा फिर यहाँ साग सब्जी में? और तो बस है जी, और क्या सामान आ रहा जी? और जी पोई है बस, पोई आते वो भी आई नहीं है, पोई बिक रही है 18-20 रुपए किलो। मेन तो पालक और सरसों भी तो आई है, सरसों का क्या रेट चला इसका? सरसों बिक रही है 30-24 रुपए किलो किलो। दोस्तों 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो अब तो मंडी में सरसों भी आ चुका, सरसों का साग। दोस्तों बात करते हैं पार्क में अब घिया की। जानते हैं भाई साहब के पास जो घिया आई क्या कुछ रेट चला दी इनके पास? दो किस्म की घिया आई, एक गोल वाली घिया एक लंबी घिया, करेला भी आज इनके पास आया। हाँ जी भाई साहब क्या कुछ चला जी, गोल वाली घिया का क्या रेट चला, कितना रुपये देना इसमें? भाव जी 28 किलो है 200 रुपये। हाँ जी लंबे वाली 250 रुपये जी, 30 किलो। करेला भाव जी 14-16 रुपए तक। दोस्तों यहाँ भी सब्जी आज मंदी है। दोस्तों बात करते हैं मूली की। मूली का रेट आज का 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, जैसी मूली वैसा उसका भाव। जैसी ये हिमाचल की मूली है, इसमें 10 रुपए वाली भी है, और इसी में 20 रुपए वाली मूली भी मिलेगी आपको मूली वाले पार्क में। जैसे गाड़ियाँ होती हैं इनमें से आप छांट कर जैसी मर्जी लो, 10 रुपए से 20 रुपए किलो मूली। दोस्तों बात करते हैं तोरी की। जो प्लेन वाली घिया तोरी है
इसका रेट है दोस्तों 10 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो। जैसी तोरी लेंगे 10 रुपये से लेकर 13 रुपये किलो। और जो इसकी बात करते हैं झींगे की, जो पेटियों में झींगा आया, झींगे का रेट है दोस्तों आज का 15-16 रुपये किलो। जो कोई अच्छे वाला है वो 17 तक भी गया, नहीं ये 14 रुपये से लेकर 17 रुपये झींगा, और ये 12 रुपये 14 रुपये किलो, 13 रुपये किलो तोरी। दोस्तों यहाँ पर पार्क में जो भी सामान बिकता है क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। जैसे उधर देखो सामने वो क्रेटो में घिया तोरी पड़ी, वो घिया तोरी आपको 20 रुपये मिलेगी, और यही घिया तोरी आपको 12 रुपये किलो मिलेगी। तो यहाँ पर दोपहर बाद में भी ऐसे ही माल आता है जिसको पार्क बोलते हैं, यही साहब यहाँ दोपहर बाद का होता है जो ताज़ा फ्रेश माल आता है। मंडी में हर चीज़ का जो अच्छी लगती है देखने में चीज़, उसका रेट 2-4 रुपये किलो तो ऑटोमेटिक ही तेज होता है। दोस्तों बात करते हैं टमाटर की, जानते हैं जो इनके पास जो टमाटर आता है क्या कुछ रेट चला। दो तरह का टमाटर है इनके पास, एक ये लंबे वाला टमाटर है हाइब्रिड, और एक ये जो गोल टमाटर है इनके पास। कहाँ का माल आया और क्या कुछ रेट चला इनकी दुकान पे? हाँ जी भाई साहब, ये गोल वाला कहाँ का माल है? गोल वाला औरंगाबाद, औरंगाबाद। ये वाला महाराष्ट्र का है। अच्छा, तो ये गोल वाला क्या रेट गया? गोल वाला 200 से 250। अच्छा, और ये वाला 250 से 300। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने की। दोस्तों टमाटर बहुत ज़्यादा है मंडी में, देखो गाड़ियाँ अभी तो लोड की लोड, अभी तो इनके डाले भी नहीं खुले गाड़ियों के, इतनी गाड़ी है मंडी में। पर ये सारा ही टमाटर जो है बाहर का है, हिमाचल का तो अब नाम नाम रह गया, यहाँ पर हिमाचल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। दोस्तों बात करते हैं अब हिमाचल वाले टमाटर की, सारी मंडी में बस यही थोड़ा सा टमाटर देखने को है। हिमाचल की पिट्टी जो ये भी ऊंचाई के इलाकों का, जो निचले वैसे इलाके हैं वो तो ख़त्म ही हो चुका है। जानते हैं भाई साहब से क्या कुछ हिमाचल वाला। हाँ जी भाई साहब जी, ये कौन सी बेल्ट का है जी आज? अब ये भाई साहब राजगढ़ बेल्ट का है। हाँ, तो बस ऐसे ये माल ख़त्म हो रहे हैं अब। ये तो ख़त्म ही हो लिया जी, क्या कुछ चला जी इसका? भाई साहब 150 रुपये पेटी नहीं पूछ रहा है कोई, उसकी दूसरे की मंदी हो रही ना ज़्यादा, वो तो काफ़ी मंद हो लिया जी। वो तो 250 रुपये का रेट बिक रहा है तो इनको कौन पूछेगा? तो 40 रुपये की तो उनकी पिट्टी होगी बिछरों की। 40 नहीं, ये 110 रुपये का खर्चा आ रहा है दिल्ली का। हाँ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है किसान के। तो जो 150 की बिक्री और 110 का खर्चा, 40 रुपये और 40 से ज़्यादा का तो उनका वहाँ की ढुआई होगी, वो तो उनको और पल्ले से जाएंगे उनके। भी पल्ले नहीं पड़ रहा है किसान के, 1 रुपये भी पल्ले। हाँ जी, हाँ जी, तो मंदे में क्या कर सकते हैं भाई साहब, मंदा ही इतना घोर मंदा है कि सारी दुकानों पर टमाटर ही टमाटर रखा आज बाहर का। पर दोस्तों एक बात है कि टमाटर ये बहुत बढ़िया है, जो हिमाचल के टमाटर हैं अब इनकी क्वालिटी बन गई, क्योंकि ऊपर बरसातें बंद हो चुकी तो क्वालिटी बन गई अब। दोस्तों अब बात करते हैं मक्की की, मक्की का आज का मंडी में रेट है दोस्तों 10 रुपये किलो, 10 नोर से लेकर 11 रुपये, यानी नो मेन 10 रुपये, नौ रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये मक्की का रेट। और दोस्तों बात करते हैं फूल गोभी की, जो है अपने राजस्थान की, जो अपने इधर अजमेर की पुष्कर की गोभी आती है दोस्तों, इसका रेट है 350 रुपये से लेकर और 400 रुपये का। आज मंडी में गोभी बहुत ज़्यादा है, इसका रेट है 350 रुपये कट्टे से लेकर और 350 से लेकर 400 रुपये का कट्टा, जिसमें आपको 8 किलो से लेकर और 12 किलो तक गोभी मिलेगी पत्ते तोड़कर। दोस्तों आपको ये फूल गोभी और ये मक्की किसान साइड में मिलेगी, जिसको किसान साइड बोलते हैं, जिसको प्याज वाला लंबा साइड भी बोलते हैं, वहाँ पर आपको ये गोभी मिलेगी। गोभी आज मंडी में ज़्यादा है, जो पुष्कर राजस्थान की, अजमेर की, इधर की गोभी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना दोस्त वीरेंद्र सिंह राणा।